अंबिकापुर के गांधीनगर में नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा और महिला पार्षद के साथ दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ नगर निगम के पार्षद मामले की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी से उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि गांधीनगर के सोनी मोहल्ले में ओपन जिम खोला जाना है, लेकिन जिस जमीन पर जिम खोलना था उसको लेकर महिला पार्षद और नगर निगम अमले के साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता की थी और इस मामले में युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया। जी, मेरे वार्ड में एक शासकीय भूमि है और शासकीय तालाब है, उसको एक बाहरी व्यक्ति मनोज सिन्हा नामक व्यक्ति हैं, वो मायापुर में रहते हैं, वो कब्जा कर रखे हैं, जिसमें हमारे वार्ड वासियों को आने जाने का दिक्कत हो रहा है, उसको खोल नहीं रहे, ना रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो जिम लगवा रही थी वहाँ, उस दिन बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं वहाँ जा करके, जुमा झुट्टी किए हैं, मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किए हैं। तो उसी के मामले में आई थी एसपी साहब के पास, जिसमें जो उनके ऊपर एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किए हैं उस हिसाब से जो धाराएं लगना चाहिए वो धाराएं नहीं लगा है, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मैं एसबी साहब के पास आई थी। तो वो नहीं है, एडिशनल एसबी हैं, उनसे मिली। गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 3 के निवासी जनप्रतिनिधिगण आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर एक मनोज सिन्हा नाम का व्यक्ति जो नगर निगम का ओपन जिम बन रहा है उसको क्षतिग्रस्त किया है, साथ ही वहाँ पर महिला पार्षद के द्वारा भी दुर्व्यवहार उनके द्वारा मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है, जिसमें कि थाना गांधीनगर के द्वारा 151 CRPC एवं पृथक से लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत में FIR कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।